नगर पालिका निगम भिलाई का पुराना भवन अब इतना जर्जर हो चुका है कि इसमें बैठकर कार्य करना खतरे से खाली नहीं है। इसे देखते हुए निगम भिलाई के नए भवन में तृतीय तल का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। नगरपालिक निगम भिलाई की परिकल्पना के अनुरूप नगरपालिक निगम भिलाई के नए भवन में अन्य अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराया जा रहा है, क्योंकि नगरपालिक निगम भिलाई का पुराना भवन जहां निगम के कार्य संचालित होते हैं वह काफी जर्जर हो चुका है और इसके खतरे को देखते हुए नगरपालिक निगम भिलाई के नए भवन में अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराया जा रहा था, परंतु किसी कारणवश यह कार्य बाधित हो गया। परंतु अब बाधाएं दूर होने के बाद एक बार पुनः युद्ध स्तर पर कार्य जारी है और जल्द ही इस नए भवन में अधिकारी कर्मचारी बैठकर नई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना बनाएंगे। देखिए, कार्य के व्यस्तता के लिए बैठने की जगह तो चाहिए होती है और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें नए नए योजनाएँ हैं जिसपे काम करने की आवश्यकता नगर निगम को रहती है, और इस परिप्रेक्ष्य में जो ऐसे मानव संसाधन है जिनको बैठना है और जो बैठ के सिटिंग अरेंजमेंट का काम कर सके, ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए जो है अब बिल्डिंग का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। तो अभी ये बिल्डिंग का युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और बहुत जल्द जो है इसमें जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं और जो कॉन्सेप्ट रहेगा नगर निगम में जो भी आवश्यकता अनुसार से उस कॉन्सेप्ट के आधार पर उसको उपयोग किया जाए, क्योंकि जर्जर तो है। समय समय पर इनकी जो फाइलें हैं वो शासन स्तर पर भी गई हुई हैं कि जो नई बिल्डिंग का प्रस्ताव है इससे संबंधित काफ़ी चर्चाएं हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नगर निगम अपने हिसाब से जो निर्णय ले करके शासन के मार्गदर्शन पे काम करता है, वो कार्रवाई बहुत सारी प्रक्रियाधीन है जिसपे बहुत सारी फाइलें हैं जिसपे टीम वर्क से जो निगम काम कर रहा है। भविष्य में कुछ ऐसा कार्योजना स्वीकृति मिलती है तो तत्परता से इस पर कार्रवाई की जाए। अब नए भवन के नए कमरों में बैठकर अधिकारी कर्मचारी नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन जब करेंगे तब नगरपालिक निगम भिलाई अपने क्षेत्रवासियों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।